हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टुडे क्लिक्स। आज मैं आपके साथ एक होममेड हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर करूंगी जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को बढ़ा देता है और आपके हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम चार डिफरेंट रंग के ऑयल्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले है कोकोनट ऑयल, इसकी क्वांटिटी बाकी ऑयल से डबल लेंगे, ये 200 ml इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। दूसरे नंबर पर है ऑलिव ऑयल, इसकी क्वांटिटी है 100 ml। और थर्ड पे हम इसमें डालेंगे आलमंड ऑयल, इसकी क्वांटिटी भी 100 ml इस्तेमाल होगी। और सबसे लास्ट पे हम इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी 100 ml होगी। इस तरह ये टोटल इसमें चार ऑयल जाएंगे। इनको एक ड्राई बोतल में डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और यहाँ पर इसकी टोटल क्वांटिटी 500 ml हो जाएगी, जिसमें 200 ml कोकोनट ऑयल गया और बाकी तीनों ऑयल जो हैं वो 100 ml इसमें डाले हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं 8 कैप्सूल्स, ये हैं इवियन कैप्सूल्स, इनको विटामिन ई के कैप्सूल भी कहते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से लिए जा सकते हैं। इसको 1 by 1 कट करके ऑयल में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। सारे कैप्सूल्स को मैंने काट के इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसके कैप को बंद करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 1 दिन के लिए ऑयल को छोड़ देंगे ताकि सारे ऑयल्स जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर ऑयल की कंसिस्टेंसी डिफरेंस होने की वजह से आपको इसमें थोड़ी सी लेयर नज़र आ रही होंगी। जब आप इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर ये 1 दिन के लिए इसको पड़ा रहने देंगे, तो ये सारे ऑयल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, इस ऑयल की कंसिस्टेंसी भी एक हो जाएगी। और फिर इस ऑयल को शावर लेने के बाद जब बाल बिल्कुल साफ़ हों तो उसमें लगाएं और पूरे दिन के लिए इसको छोड़ दें, और नेक्स्ट डे जब शावर लें तो उसको अच्छे से वॉश कर लें। इससे आपके हेयर बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।